हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की रहने वाली नैन्सी अग्रवाल की बहुत ही प्यारी सी थर्ड पार्टी रिमूवल सक्सेस स्टोरी। नैन्सी अग्रवाल अपने बॉयफ्रेंड सुनील के साथ पिछले 6 साल से रिश्ते में थी। नैन्सी और सुनील एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। नैन्सी और सुनील दोनों कोटा में रहकर एक ही कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए नैन्सी और सुनील अपना ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। नैन्सी और सुनील की लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए नैन्सी ने अपनी माँ को भी बता दिया था कि वो सुनील नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करती है। पहले तो नैन्सी की माँ ने मना कर दिया था, पर फिर अपनी बेटी की खुशी को देखते हुए वह मान भी गई थी। सुनील ने नैन्सी से शादी करने का वादा भी किया था, इसलिए दोनों एक दूसरे के हद से ज्यादा करीब आ गए थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर एक दिन एकदम अचानक से सुनील ने नैन्सी से कहा कि मेरे पापा का आज फोन आया था। मेरे पापा मुझे अपनी आगे की पढ़ाई जयपुर से करने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए मुझे जयपुर जाना पड़ेगा। मैं अपनी आगे की पढ़ाई अब जयपुर से ही करूंगा। नैन्सी ने जब इसके पीछे की वजह पूछी तो सुनील ने बताया कि मेरे पापा की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। नैन्सी सुनील के लिप्ट कर रोने लगी। सुनील ने किसी तरह नैन्सी को चुप कराया और कहा कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सिर्फ 1 साल की बात है, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और कुछ दिन बाद सुनील जयपुर चला गया। जयपुर जाने के बाद सुनील कुछ बदल सा गया। नैन्सी जब भी सुनील को कॉल करती, पहली बात तो वह फोन रिसीव ही नहीं करता, और रिसीव करने पर भी कोई ना कोई बहाना बनाता। कभी बोलता मैं बिजी हूँ, तो कभी बोलता पापा मेरे साथ है। फिर एक दिन अचानक से सुनील ने नैन्सी के कॉल रिसीव करने पूरी तरह बंद कर दिए। नैन्सी को हर जगह से ब्लॉक भी कर दिया। फिर एक दिन नैन्सी को पता चला कि सुनील किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में है। उस लड़की का नाम प्रियम है। सुनील और प्रियम बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। यह पता चलते ही नैन्सी पागलों की तरह रोने लगी। इसके बाद नैन्सी ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत जोर लगाया, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए, पर कहीं कुछ नहीं हुआ। नैन्सी डिप्रेशन में जाने लगी। उसके एग्जाम के पेपर भी खराब हो गए। इसके बाद नैन्सी ने किसी के कहने पर मेरे चैनल के वीडियो देखने स्टार्ट किए। नैन्सी को वीडियो देखते हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे, एक दिन एकदम अचानक से नैन्सी के सामने मेरे चैनल की एक सक्सेस स्टोरी आ गई। नैन्सी ने इसे यूनिवर्स का एक संकेत मानते हुए पूरी लास्ट तक सक्सेस स्टोरी देखी। नैन्सी को पहली बार थर्ड आई रीडिंग का पता चला। नैन्सी बहुत पॉजिटिव फील करने लगी। नैन्सी को ऐसा लगने लगा कि शायद उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यह सोचकर नैन्सी ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझसे कांटेक्ट किया। नैन्सी ने अपनी सारी प्रॉब्लम मुझे डिटेल में बताई। साथ ही नैन्सी ने मुझसे थर्ड आई रीडिंग करने की बहुत रिक्वेस्ट की। मैंने अगले दिन नैन्सी के लिए एकदम अच्छे से थर्ड आई रीडिंग की। रीडिंग करने पर मुझे पता चला कि सुनील की कोई गलती नहीं है। सुनील अब भी नैन्सी से बहुत प्यार करता है। सुनील का प्यार नैन्सी के लिए एकदम सच्चा था, पर थर्ड पार्टी यानी कि प्रियम ने एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर की हेल्प से एक ऐसी टेक्निक यूज करके सुनील को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, इसलिए सुनील को अब प्रियम अच्छी लगती है। इस टेक्निक को करने पर सामने वाले इंसान का दिमाग काम नहीं करता, यह एक तरह का वशीकरण होता है। यह बात जैसे ही मैंने नैन्सी को बताई तो नैन्सी रोने लगी और मुझसे कोई उपाय बताने की रिक्वेस्ट करने लगी। मैंने नैन्सी को बहुत समझाया कि वह सुनील को भूल जाए और मूव ऑन कर ले, पर नैन्सी मान ही नहीं रही थी। नैन्सी मुझे एक ही बात बोल रही थी, एक ही रिक्वेस्ट कर रही थी कि दीदी मुझे कोई उपाय बताओ, दीदी प्लीज मुझे कोई उपाय बताओ। नैन्सी की प्रॉब्लम का उपाय तो मुझे रीडिंग के टाइम ही मिल गया था, पर इसको करना बहुत ज्यादा टफ था, इसलिए मैं नैन्सी को बता नहीं रही थी। पर नैन्सी के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर मैंने नैन्सी को बताया कि कैसे क्या करने पर सब कुछ ठीक हो सकता है। नैन्सी के लिए यह टेक्निक करना एकदम भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए नैन्सी ने यह टेक्निक उसके लिए मुझसे करने को कहा। मैं नैन्सी को ना नहीं कर पाए, इसलिए मैंने नैन्सी के लिए टेक्निक करना शुरू कर दिया। मुझे अभी टेक्निक स्टार्ट किए 15 दिन ही हुए थे। एक दिन अचानक से मेरे पास नैन्सी का फोन आया। नैन्सी बहुत ज्यादा खुश थी। नैन्सी मुझे बार बार थैंक यू बोल रही थी। नैन्सी ने मुझे बताया कि सुनील ने प्रियम को धक्के मार कर अपनी लाइफ से निकाल दिया है। सुनील अब सिर्फ मुझसे प्यार करता है,
सुनील सिर्फ मुझसे शादी करेगा। तो यह थी नैन्सी की बहुत प्यारी सी सक्सेस स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नाम लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।